नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड में जल्द ही एक बड़े धमाके की तैयारी की जा रही है और ये धमाका कई लोगों के होश भी उड़ाने वाला है। दरअसल इस धमाके पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई थी, जहां लोग कब से ये कयास लगा रहे थे कि बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकार रणवीर सिंह और रणवीर कपूर क्या कभी पर्दे पर एक साथ नजर आ सकते हैं। तो अब आपको बता दें कि हाँ, ऐसा हो सकता है और अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसा होने भी वाला है। दरअसल खबर है कि निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली ने इसके लिए योजना बना ली है और उनके फिल्म की स्क्रिप्ट भी तैयार हो चुकी है। तो कौन सी है वो फिल्म जिसमें दोनों नजर आने वाले हैं, जानते समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल देवदास के समय से उनके साथ काम कर रहे राइटर प्रकाश कपाड़िया ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखा है, जहाँ कहा जा रहा है कि फिल्म बैजू बावरा की पटकथा पर कपाड़िया ने काम पूरा कर लिया है और इसमें रणवीर कपूर और रणवीर सिंह की आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं मीडिया में आई खबरों की माने तो रणवीर कपूर को इस फिल्म में काम करने के लिए उनकी पत्नी आलिया भट्ट ने मनाया है। वहीं रणवीर ने अपनी डेब्यू फिल्म सावरिया की शुरुआत ही संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म की थी, लेकिन उस वक्त खबर ये भी सामने आई थी कि फिल्म के शूट के दौरान संजय लीला भंसाली का रवैया रणवीर कपूर के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और कहा तो ये भी जा रहा था कि रणवीर ने एक वक्त पर फिल्म को आधा से ही छोड़ने का मन भी बना लिया था, लेकिन फिर जैसे तैसे रणवीर ने इस फिल्म को पूरा किया था। वही अब बात कर ले फिल्म की तो बैजू बावरा एक म्यूजिकल फिल्म होगी, जहां बैजू ऐसे गायक होंगे जो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल होकर गायक तानसेन को चुनौती देंगे। वहीं बताया जाता है कि आलिया इसमें बैजू की पत्नी बनेंगी, जो भूमिका रणवीर सिंह निभाएंगे, जबकि रणवीर कपूर फिल्म में तानसेन के रोल में नजर आ सकते हैं। वहीं रणवीर के अपोजिट कास्ट के लिए एक बड़ी बॉलीवुड नायिका की तलाश जारी है। वहीं खबर ऐसी भी सामने आ रही थी कि बैजू के रोल के लिए भंसाली ने पहले अजय देवगन से बात की थी, लेकिन एक्टर के बिजी शेड्यूल के कारण अजय ने इस फिल्म के लिए इनकार कर दिया था। वैसे चर्चा तो इस बात की भी है कि रणवीर कपूर भी भले ही इस फिल्म के लिए हाँ कह चुके हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि भंसाली की फिल्म की शूटिंग की डेट्स उनकी ब्रह्मास्त्र 2 से टकराना जाए। वेल, अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या रणवीर कपूर और रणवीर सिंह एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे या नहीं। लेकिन आप इन दोनों को इकट्ठे देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एक्टर त्रिपाठी पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। We'll be right back.